हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे Realme C11 के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि Realme ने C3 के बाद डायरेक्टली C11 क्यों लेके आया। तो मैं आपको एकदम लॉजिकली समझाऊंगा कि इसका रीजन क्या है। तो शायद आपको याद होगा कि Realme C3 के बाद आपको इंडिया में Narzo सीरीज देखने को मिला था, यानी कि हाल ही में आपको जैसे Narzo 10 और 10A इंडिया में देखने को मिलता है, वैसे ही आउट ऑफ इंडिया में आपको Narzo सीरीज नहीं मिलता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में और शायद पाकिस्तान में भी देखने को मिल जाता है। और अभी अगर हम लॉजिक के हिसाब से बात करें तो ऑब्वियसली 10 के बाद 11 आता है, तो इसलिए शायद आपको आउट ऑफ इंडिया Realme C11 के नाम से ये फोन देखने को मिलेगा और इंडिया के अंदर आपको Narzo 11 के नाम से ये फोन देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि Narzo 10 और 10A इंडिया में लॉन्च हो चुका है और उसके बाद अगर Realme ने फोन लॉन्च किया तो शायद ये Narzo 11 के नाम से देखने को मिल सकता है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये फोन Realme C11 के नाम से इंडिया में भी देखने को मिल जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो मेन चीज है कि इस फोन में आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो अगर आप Realme C3 या फिर Narzo सीरीज को चेक करें तो उन सभी फोन में आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलता है, यानी कि MediaTek G80 G70 का प्रोसेसर मिलता है। और इस बार हमें लगता है कि आपको Realme C11 में या फिर Narzo 11 में आपको MediaTek का ही कोई प्रोसेसर देखने को मिलेगा, या तो यह MediaTek G90 का प्रोसेसर या फिर MediaTek G90T का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, या फिर शायद MediaTek की तरफ से और भी कोई नया प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाए इस फोन के साथ। और साथ ही में मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन में भी आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि जैसे आपको Realme C3 में या फिर Narzo 10 सीरीज में देखने को मिला था LCD डिस्प्ले, शायद इस बार भी आपको इस नए फोन में भी IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, क्योंकि Realme इसमें भी प्राइस कट करने का कोशिश जरूर करेगा। और हां, रिसेंटली Realme C11 स्पॉट हुआ है SIRIM मलेशिया और NBTC थाईलैंड के वाईफाई और ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन में। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, या तो अगले महीने या फिर इस महीने के लास्ट वीक आपको आउट ऑफ इंडिया पहले देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको ये इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि मुझे जहां तक लगता है कि सबसे पहले आपको ये चाइना, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। और रही बात इसकी प्राइसिंग की, तो अभी हम इसको गेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स होगा ये अभी हमें कंफर्म नहीं पता है। सो अभी इसको गेस करना ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फोन का प्राइस कितना होना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपका क्या कहना है Realme C11 के बारे में, वो भी आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।